सोफी सीट। अनवी बच्चा पैकिंग हो गई आपकी? मेरी तो आप करोगे ना। अच्छा तो आप क्या करोगे? मैं टॉफी का पैक करूंगी। ठीक है जल्दी करो। दीदी का पता नहीं कहाँ रह गए, फोन भी नहीं लग रहा, उसका कॉल भी नहीं आया, हम फ्लाइट के लिए लेट ना हो जाए। हार मान, बोलो। तैयारी हो गई सारी आने की? और तुमने अभी तक फ्लाइट की डिटेल्स नहीं भेजी मुझे, मैं एयरपोर्ट लेने कैसे आऊंगा? मैं डिटेल्स भेज दूंगी लेकिन तुम थोड़ी देर और आराम कर लो। थैंक यू, वेलकम। अब घर में चार चार लोग होंगे धमाल मचाने के लिए, तीन लड़कियां और एक टॉपिक, हम सब घर सर पे उठा लेंगे। मैं तो एक्चुअली वेट कर रहा हूँ उसका, मिस कर रहा हूँ यार वो शोर। एक्चुअली तुम यहाँ पे हो नहीं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, इवन ब्रेकफास्ट में आज किसी ने मुझे जला हुआ टोस्ट ही नहीं दिया। और तुम्हारी आवाज़ें, कभी अनवी को बुलाना कभी मुझे, और अनवी उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसका चिल्लाना, आई स्वेयर तुम लोगों को इतना मिस कर रहा हूँ, दिल कर रहा है अभी आ जाऊँ तुम लोगों के पास। हाँ तो साथ में ही आ जाना चाहिए था ना। एनीवेज तुम ज्यादा सोचो मत, हम शाम तक आ ही जाएंगे। मुश्किल है तो जब तक मैं आप लोगों की वीडियोस देख के काम चला लेता हूँ, और तुम फ्लाइट की डिटेल्स भेजो मुझे अभी के अभी। प्रीशा ये देविका कहाँ है? एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ क्यों क्या हुआ? हमें मेरे अकाउंटेंट का मैसेज आया है दैट देविका हैज आस्क्ड फॉर अ ट्रांसफर ऑफ 8 लाख्स। इतनी सडनली उसे इतने पैसों की कैसे जरूरत पड़ गई? एक्चुअली अरमान देविका मेरे साथ है नहीं और उसका फोन भी नहीं लग रहा है, आई होप वो किसी प्रॉब्लम में ना हो। एक काम करती हूँ मैं उसका पता लगाती हूँ फिर तुम्हें कॉल करके बताती हूँ। ओके दूध कहाँ है, कैसे है वो ऑपरेशन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुद्र ये हमारे घर आई थी। घर? तुम मेरे घर तक पहुंच गई? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? होटल में बात हुई थी ना हमारी, तुम्हारे घर आने की क्या जरूरत थी? तुम मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रही? क्या चाहिए क्या तुम्हें, बताओ ना क्या चाहिए? रुद्र नहीं माँ, आप नहीं जानती हो इसे, बहुत घमंडी लड़की है, इसकी मैंने हेल्प की होटल में, लेकिन ये वो मैंने तुम्हारा गिफ्ट लेने से मना कर दिया, इसलिए कर रही हो ना ये सब। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो, ये जो तुम कर रही हो, बस कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हो, तो सुनी नहीं रहा मेरी बात। जब शारदा बीमार पड़ी थी तब ये लड़की हमारे घर आई थी, यही वो लड़की है जिसने स्कूटी पर बिठाकर शारदा और मुझे स्कूटी पे, तुम माँ को स्कूटी पे लेके आई, पता कितना अनसेफ हो सकता है? कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता पता? नहीं नहीं बताओ ना कौन जिम्मेदार होता? डॉक्टर वो सर्जरी कैसे रही? सक्सेसफुल। अब टाइम पे लेके आई वरना बचाना मुश्किल था। थैंक यू। सुन लिया, यही बताने की कोशिश करी पर मेरी बात नहीं सुन रहे। जब शारदा की तबीयत खराब हुई ये लड़की हमारे घर पर थी, एम्बुलेंस बुक करने की कोशिश की नहीं मिली, टैक्सी ढूंढने की कोशिश की नहीं मिली, स्कूटी पर बिठाकर हम दोनों को यहाँ लेकर आई, इसी ने शारदा का ऑपरेशन करवाया, सारे पेपर्स भरे, यहाँ तक कि खर्चा भी दिया ऑपरेशन का, शारदा की जान बचाई इसने बेटा, और तू इसके साथ ऐसे बात कर रहा है। तो तुमने मेरी माँ की जान बचाई उसके लिए थैंक यू सो मच, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, पर ये पैसे मैं नहीं दे सकता। मुझे पता था तुम यही बोलोगे, क्या करोगे वापस करोगे? एक काम करते हैं तुम अभी के लिए लोन समझ के ले लो, जब तुम्हारे पास आ जाए तो वापस कर देना, मेरे लिए वैसे भी ये सब चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारी माँ की जान बच गई और वो बिल्कुल ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब जस्ट वन सेकेंड। हाँ भाभी देविका कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है, तुम कॉल भी नहीं कर रही हो, कहाँ? और अरमान ने बताया तुमने 8 लाख लिए हैं, क्या हुआ सब ठीक है ना? भाभी भाभी सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में हूँ, यहाँ पे शायद थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम है इसलिए फोन नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल? क्या हुआ तुम हॉस्पिटल में क्यों हो, सब ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ भाभी, एक्चुअली आरके की मॉम का ऑपरेशन था तो मैंने पैसे भी उसी लिए निकलवाए हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि थैंक गॉड अब वो डेंजर से बिल्कुल बाहर है और सर्जरी बहुत सक्सेसफुल रही और स्लोली रिकवर भी कर लेंगे। अच्छा किया तुमने पैसे दिए, देखा उस मैनेजर को उसकी अच्छाई का फायदा हो गया। आई नो भाभी मैं भी उससे मिलने गई थी लेकिन मिल नहीं पाई,
ऑब्वियसली वो वहीं होगा है ना? जी भाभी यहीं पे। अच्छा मैंने पैकिंग कर ली है, एयरपोर्ट के लिए निकलना है ना, बताओ तुम कितनी देर में आ रही हो? अभी मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया, आज तो फ्लाइट है ना। एक काम कीजिए, मैं यहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट आती हूँ, आप मुझे अनवी के साथ वहीं पे मिलिए। ठीक है, हम एयरपोर्ट के बाहर ही वेट करेंगे तुम्हारा। ओके जल्दी आना। ओके बाय। आई एम सॉरी पर मुझे अभी के अभी एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा, एक्चुअली मेरी गोवा की फ्लाइट है और मेरी नीस और भाभी वहीं पे वेट कर रहे हैं, सो आई हैव टू गो। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं आई थिंक तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं इट्स ओके, तुमने मेरी माँ की जान बचाई है और मैंने भी कैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ओके एंड आंटी आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। तुम तो फरिश्ता बनकर आई हमारी जिंदगी में, शारदा को बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। तुम्हें पता है कल रात को जब तुम मेरे रूम में रुके थे ना, तो मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, फिर मेरी भाभी ने मुझे समझाया कि तुम किस टाइप के इंसान हो। इनफैक्ट सॉरी और थैंक्स बोलने के लिए भी उन्होंने मुझे तुम्हें बोला था। तुम्हें पता है मेरी भाभी ना सच में बहुत अच्छी है, जब से वो हमारी लाइफ में आई है ना हमारी लाइफ एकदम बदल गई है, आई मीन ऑफ कोर्स इन द गुड सेंस। जब तुम भी उनसे मिलोगे ना तो तुम्हें भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। तुम मिलोगे ना भाभी से? जो मुझे बिना देखे पहचान गई उसे तो मिलना पड़ेगा। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे लेट हो रहा है, मेरी फ्लाइट है, जल्दी चलना है। मैडम टायर पंचर हो गया। पंचर? क्या? ये तो सच में पंचर हो गया। अब कैसे पहुंचेंगे एयरपोर्ट? आज तो पक्का फ्लाइट मिस हो जाएगी। अब वेट करो, कोई और कैब मिल जाएगी। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। वेट करो, मिल जाएगी। एक कैब आ गई। आगे चलो एयरपोर्ट। इश्मा बुआ का है, वो अब तक क्यों नहीं आई? आ जाएंगी बच्चा, देविका ने बोला तो था यहीं वेट करने के लिए, पता नहीं क्यों नहीं आई। फ्लाइट का टाइम भी हो गया, मुझे लगता आज तो फ्लाइट मिस हो ही जाएगी। थोड़ा जल्दी चलिए ना प्लीज, मैं भाभी को कॉल करती हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, गोवा जाने वाले सभी यात्रियों के लिए ये लास्ट और फाइनल कॉल है, वो तुरंत सुरक्षा जाँच करवाए, 5 मिनट बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। फ्लाइट का टाइम हो गया, क्या करूं? कॉल करती हूँ। बिजी आ रहा है, फोन बिजी जा रहा है। जस्ट रिलैक्स, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम पहुंचने वाले हैं। एक काम करती हूँ, अंदर चली जाती हूँ, वाई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट फ्लाइट से आ जाएगी। बच्चा चलो जल्दी चलो, आ जाओ।